फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट मेरे वीडियो में आपने मैंगो मिल्कशेक की रेसिपी देखी होगी, तो आज मैं फिर से एक मैंगो की रेसिपी बनाने वाली हूँ। बट आज मैं कच्चे आम से एक रेसिपी बनाने वाली हूँ। ये रेसिपी बनाने के बाद मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, क्योंकि जब मैं छोटी थी मम्मी के वहाँ पे, तो जब भी समर में आम की सीजन होती थी तो हर टाइम एक कच्चे आम मम्मी लाती थी और इसे ये रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ बनाती थी। और मुझे इतनी पसंद थी कि मैं पूरा टाइम इसके साथ, अगर सब्जी वब्जी नहीं हो तो मैं रोटी के साथ वही खा लेती। बट पता नहीं, अभी मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैं मेरे दिमाग से ये रेसिपी बिल्कुल ही चली गई। मैं कभी भी ये अभी कुछ याद नहीं कि मैंने, काफ़ी टाइम हो गया होगा मैंने बनाया नहीं है। बट ऐसे ही फैमिली के साथ बात हो रही थी तो ये बचपन की बातों में याद आया कि हाँ, हम वो बनाते थे। तो तब मुझे याद आया कि ओ या, मुझे वो बहुत ही पसंद थी और मैं क्यों बना नहीं रही। तो नेक्स्ट जब भी मैं इंडियन ग्रोसरी गई तो मैंने कच्चे आम ले लिए और उससे मैंने वो रेसिपी बनाई। बट या फर्स्ट टाइम मैं जब बना रही थी तो मैंने उसका वीडियो नहीं लिया था, क्योंकि मैं भी उतना श्योर नहीं थी कि वो परफेक्ट वैसे ही बनेगी नहीं कि वो। तो फर्स्ट मैंने ट्राई किया और मैं देखना चाहती थी कि वो वैसा ही स्वाद है कि नहीं। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने बनाई थी वो परफेक्ट, मुझे वो मेरी बचपन की याद आ गई जो मैं हर बार रोटी के साथ वो खाती थी। लास्ट में जब सेकंड टाइम इंडियन ग्रोसरी गई तो वापस से मैं लेके आई, और इस बार मैंने सोचा कि मैं ये ज़रूर आप सबके साथ ये रेसिपी वीडियो शेयर करूं। और जितना मैंने बोलने में टाइम लगा दिया उतना तो बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही ईजी है, इंस्टेंट 2-3 मिनट में वो बन जाती है और आप फ्रिज में उसे 1 वीक के लिए भी स्टोर कर सकते हो, इजीली खा सकते हो, बहुत ही वैसा ही स्वाद रहता है। तो लेट्स सी, शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमें एक कच्चे आम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की एक कच्ची आम ले ली है और ये बड़ी प्याज है, तो इसमें से मैं हाफ ही यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले तो मैंने आम को अच्छे से गर्म पानी से वॉश कर लिया है, अब हम दोनों को छील लेंगे। तो इस तरह से मैंने आम और प्याज को छील के प्याज आधा कट कर ली है। तो अब हम दोनों को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ मैं ऐसे इस होल से कद्दूकस करने वाली हूँ, बट अगर आपके पास इससे थोड़ा सा छोटे होल का भी अगर हो तो आप उसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आम को पूरा कद्दूकस कर लूँगी और उसके बाद प्याज को। तो बस मैंने ये आम और प्याज को अच्छे से कद्दूकस करके प्लेट में रख दिया है। तो अब हम उसकी चटनी बनाना शुरू करेंगे। तो बस इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जस्ट उसमें थोड़े से मसाले हमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं प्याज और आम को मिक्स कर लेती हूँ और अब हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। इस तरह से मैंने 2 चम्मच जितना सा नमक डाल दिया और अब मैं उसमें मिर्च पाउडर डालूंगी। तो यहाँ मैं 1/2 चम्मच जितना सा नॉर्मल जो स्पाइसी में यूज़ करती हूँ वो मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच में जस्ट उसका कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर डालूंगी। तो उसका थोड़ा सा अच्छा सा रेड कलर हमारा चटनी का लगेगा। तो ये 1/2 चम्मच में कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। और इस चटनी में जो मेन है वो है उसकी धनिया जीरा पाउडर की फ्लेवर। तो हाँ, उसमें हम थोड़ा सा अच्छे से उसमें धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 3 चम्मच जितना सा धनिया जीरा पाउडर डाल दिया। तो इसे हम चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और लास्ट में अब हमें उसमें गुड़ ऐड करना है। तो ये मेरा गुड़ ऑलरेडी थोड़ा सा मेल्टेड है, तो मैं उसमें इस तरह से वैसे डाल रही हूँ। अगर आपका थोड़ा सा हार्ड है तो आप उसे छील के उसमें डालेंगे ताकि वो जल्दी अच्छे से मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैं 2 चम्मच बड़े भर के उसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ और उसके बाद उसे अच्छे से हाथों से हम मिक्स करते हुए उसे मिला देंगे ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए आम में। तो बस इसी तरह से मैं गुड़ को थोड़ा सा हाथों से ही मसलते हुए चटनी में मिक्स कर रही हूँ ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए। तो बस इसी तरह से हम उसे अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको और थोड़ा सा स्वीट ट्विस्ट चटनी में चाहिए तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हो, और अगर आपको स्वीट टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं और आम की ही थोड़ी खट्टीपन टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा
कम उसमें डाल सकते हो, तो वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो बस इसी तरह से अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाने के बाद हमारी ये चटनी बनके तैयार हो जाएंगी। तो आप अगर चाहो तो इसी तरह से भी आप डायरेक्ट उसे खा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और अगर आप उसे थोड़ा हाफ एन आवर का रेस्ट दोगे तो उसके बाद जिस तरह से वो धनिया जीरा पाउडर मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, थोड़ा गुड़ का भी इस तरह से ये पानी जैसे निकल रहा है वो और ज़्यादा निकलेगा, तो उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा उसका टेस्ट उभर के आएगा और ज़्यादा अच्छी लगेगी, चटपटी और मीठी। तो या आप इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर हाफ एन आवर के बाद आप खाओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस मैं उसे अब एक ग्लास के बड़े बर्तन में भर दूंगी और फ्रिज में एक वीक तक आप ऐसे रख के उसे आराम से खा सकते हो। अगर आपको ये प्याज जो मैंने लिया है, प्याज की फ्लेवर पसंद नहीं है या प्याज आप खाते नहीं हो, तो उसे पूरा अवॉइड करके जस्ट कच्चे आम से ही आप ये चटनी बना सकते हो। तो बस खट्टी मीठी और चटपटी इंस्टेंट बनने वाली कच्चे आम और प्याज की चटनी बनके हमारी तैयार है। तो आई होप आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नए वीडियो के साथ जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।